शिक्षा विभाग द्वारा इस वर्ष कोई पहली बार नहीं कहा जा रहा कि निजी स्कूलों ने अगर नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी हां, हर साल स्कूल खुलते हैं, नए दाखिले का दौर शुरू होता है तो किताबें, स्कूल ड्रेस व स्कूल की फीस में की गई बढ़ोतरी को लेकर बच्चों के माता पिता के साथ साथ तमाम सामाजिक हित में कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाएँ उन माता पिता की आवाज़ बनने का काम करती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा हर बच्चों के माता पिता का कहना है। सरकार द्वारा एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा शोर तो बहुत मचाया जाता है कि निजी स्कूल किसी भी तरीके से नियमों में अवहेलना करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन हकीकत में कुछ और ही देखने को मिलता है। आज अधिकतर निजी स्कूलों में यह सब खेल देखने को मिल जाएगा। इनको लेकर बच्चों के माता पिता एवं समाज हित में कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाएं आवाज़ उठा रही हैं, फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों को जितना दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखता। आखिर ऐसा क्यों होता है? जनता है साहब, सब जानती है, लेकिन सरकार इस सब को जानते हुए भी नहीं जानना चाहती। अगर हम सिरसा जिला की बात करें तो हर वर्ष देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी बच्चों के माता पिता की समस्या या समाज हित में कार्य कर रही सामाजिक संस्था जो उन बच्चों के माता पिता की आवाज़ बने हुए हैं उनकी आवाज़ को सुनते हुए भी कितने निजी स्कूलों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। बाकी जनता है खैर सब जानती है।